लक्ष्मी बेटा। बाबू बाबू आइए ना। आइए आइए कैलाश भाई आइए। जय महादेव। जय महादेव। आइए कैलाश भाई आओ आओ भले पधार्या। जय महादेव। जय महादेव। जय महादेव। क्षमा कीजिएगा बिना बुलाए चला है। वो होली का सगुन लेकर आया हूं। फूल नहीं पाखड़ी कुछ कपड़े और प्रसाद लेकर आया हूं। कैलाश भाई आपका शगुन हम जरूर लेंगे लेकिन इससे पहले आपको नाश्ता करना होगा। मुझे जल्दी जाना है। क्या बात है कैलाश भाई आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं आप वो छोटी सी परेशानी है। वो धारी गांव में जमीन का मामला उलझ गया है। पंचायत ने कब्जे में ले लिया है। इसलिए तो होली भी नहीं आ सका मैं। कैलाश भाई अगर मैं किसी काम आ सकता हूं तो आप बताइए। जगमोहन सेठ आपने इतना कह दिया इतना है बहुत है। आज्ञा दीजिए ट्रेन का टाइम हो गया। जी जय महादेव। जय महादेव। लक्ष्मी सूरज तेरी खुशी तो साफ दिखाई दे रही है। हाँ माँ आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों से बापू को याद कर रही थी और देखिए बापू आ गए। मानो मेरी भावना उन तक किसी ने पहुंचा दी हो। अरे तो पहले कहना चाहिए था ना। देख जब भी तुझे बापू की याद आए सूरज को लेकर धारीगाम चली जाया कर। बापू भी खुश हो जाएंगे। देख सूरज खुद से भले ना सोचे लेकिन तू कहेगी तो तुझे लेके जाएगा वो। देख सूरज भी आ गया। सूरज वो पूजा की थाली लेके आना। चलो। अरे ये क्या? ये तुम रोज पहनती हो वही गहने तुमने पहने और ये कंगन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। सारे जड़ाओ और डायमंड के भारी सेट्स तो लक्ष्मी के पास ही है ना। वो होली का पूजा में जो लक्ष्मी ने सेट पहना था वो मेरे साड़ी के साथ कितना अच्छा मैच करता ना। मीनाक्षी तू सही कह रही है तू वही सेट पहन के जा। रियली थैंक यू। जाओ लक्ष्मी वो सेट लेकर आओ। कहने कमरे में नहीं है। दादी दादा हरसुक्का का पापा सब जल्दी जल्दी इधर आ जाओ। गहने तुम्हारे पास नहीं है। गहने चोरी नहीं हुए हैं तो आखिर गए कहाँ? अरे फाटने मोटा माथी गहने कहाँ गए? हाँ मैंने गहने अपने बापू को दी थी। मगर क्यों लक्ष्मी? हमने कैलाश भाई को पूछा था कि उन्हें कोई मदद की जरूरत है या नहीं। उन्होंने कहा था चिंता की कोई बात नहीं है। बापू अपनी तकलीफ आपको नहीं बता पाए उन्हें शर्म आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा और मैंने अपने गहने बापू को दे दिए। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने बड़ों को पूछना जरूरी नहीं समझा? मैं नहीं मानती बात कुछ और है। लक्ष्मी हमें पूछे बगैर ऐसा कर ही नहीं सकती।